हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आज नया वीडियो लेके। मैं हूँ दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिज़ाइन। तो आज पांचवा पार्ट है, हम फुटर बनाएंगे देन उसको रिस्पॉन्सिव इशू सॉल्व करेंगे। फुटर हम पहला वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। आज वीडियो फुटर पार्ट कंप्लीट किया देन रिस्पॉन्सिव पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी 70% रिस्पॉन्सिव है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ किए। तो आप एक काम कीजिए, आप खुद से कुछ ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से कुछ नहीं ट्राई कीजिएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। जितना भी वीडियो हम बनाए भी जितना भी किए करें तो आप खुद से जब तक नहीं बनाएंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो प्लीज़, मैं PhD भी दे रहा हूँ, एक HTML कोड दे रहा हूँ, एक काम कीजिए, PhD HTML कोड डाउनलोड कीजिए। पहले PhD को देख के खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए। जब नहीं होगा तो मेरा कोड देखिए, उससे भी नहीं होगा तो मुझसे कमेंट कीजिए, मेरे से फाइल शेयर कीजिए, हम हेल्प करेंगे, जितना हो सके मेरे से करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जो जो मेरा फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक, पास में जो बेल बटन है उसको हिट कर दीजिएगा तो सबसे पहला मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए डेस्कटॉप पे मिलते हैं, डेस्कटॉप पे। आ गए PC पे, चलिए देखते हैं। आज पांच नंबर वीडियो है, आज फुटर बनाएंगे एंड रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हम पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो था ये सेक्शन एंड टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाए थे, उससे पहले मेनू सेक्शन बनाया देन ये सब बनाया। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, एंड स्क्रीन में भी लिंक दे दूँगा, ऊपर में लिंक दे दूँगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा पाँच का। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए हम सबलाइन ओपन कर लिया, ठीक है, सबलाइन ओपन कर लिया है। अब फुटर बनाएंगे तो फुटर के लिए हम एक टैग यूज करेंगे, फुटर टैग इनबिल्ड है। तो फुटर देन क्लास कंटेनर आईडी लेना नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि ये फुटर तो है, इस फुटर बोल के हम लिखेंगे, आईडी नहीं चाहिए इसको, हेडर को एंड फुटर को हम आईडी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक बार यूज होता है। जहाँ पे एक सेक्शन क्या है, सेक्शन को हम एक वेबसाइट में चार पांच जगह यूज करेंगे तो वहाँ पे हम आईडी देके स्पेसिफिक करेंगे। तो फुटर ठीक है, फुटर को आईडी नहीं देंगे, देन डीप क्लास कंटेनर, ठीक है, देन उसको रो देंगे, डीप क्लास रो दे दिया। तो अब रो हम कितना करके लेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। फुटर में तीन टो सेक्शन है, आप देख सकते हैं फुटर में तीन टो सेक्शन है, एक दो तीन सेक्शन है। तो हम तीन बड़ा मेरा कलम है, तीन सेक्शन है तो हम चार चार करके भाग कर लेंगे, ठीक है। तो डीप क्लास कॉल LG कॉल एक्स्ट्रा लार्ज कॉल LG 4 कॉल LG 4 कॉल SM 4 सॉरी कॉल MD भी लेना भूल गया, कॉल MD 4 एंड कॉल 12, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, तो इसको हम चार बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी। तो ये हो गया मेरा चार बार कॉपी। देन पहला वाला में हम देंगे, पहला टाइटल देंगे डीप क्लास फुटर टाइटल। इसको हम सब जगह यूज करेंगे, आप देख सकते हैं सब में एक ही है। तो ये फुटर टाइटल आवर अबाउट अस, देन हम ये यहाँ पे ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर को लगेगा मुझे, तो जस्ट हम क्या करेंगे डिवाइडर को, डिवाइडर हाँ ये जो डिवाइडर है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी कंट्रोल एन कंट्रोल सी कंट्रोल एन एंटर देन कंट्रोल वी। तो आ गया,
देखिए मेरे पास ब्लैक आया, तो ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कॉन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कॉन्वर्ट टू स्मार्ट भाया कॉपी, ठीक है। देन इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो देख सकते हैं मेरा पास आ गया, लेकिन ब्लैक में ही आ गया, तो बैकग्राउंड में समझ में नहीं है, तो बैकग्राउंड थोड़ा हम कलर कर देते, ब्लैक कलर कर देते, तो इसको उसके बाद इसको थोड़ा सेंटर में लाते, सेंटर में ला लिया, ला के बैकग्राउंड को हाइड, देन सेव, देन हम इसको पीएनजी में सेव करेंगे एंड डिवाइडर 3 नाम देंगे, ठीक है, डेस्कटॉप रेस्टोरेंट वेबसाइट इमेजेस डिवाइडर 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 2 डिवाइडर 3, तो डिवाइडर 3 नाम दे दिया। तो चलिए मेरा ये तो काम हो गया, देन हम अबाउट अस को लेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे H2 अबाउट अस ले लिया, देन जो डिवाइडर हम यूज किए थे उसको हम कॉपी करेंगे, जस्ट डिवाइडर को कॉपी किया, देन इसके बाद पेस्ट कर दिया एंड डिवाइडर 2 को 3, तो 2 को जस्ट 3 कर दिया, तो देखिए कितना आसान है। हाँ, तो इसको हम कॉपी सेव कर रहा हूँ, एक सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश दूंगा, तो यहाँ पे अबाउट आ गया, लेकिन बैकग्राउंड में मुझे कलर लेना है, तो हम जाएंगे CSS पे जाएंगे, CSS फोल्डर पे आ गए, नीचे सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ सबसे नीचे नीचे आ गया, देन अभी क्या करेंगे फुटर बोल के लिख लिया इन बैकग्राउंड ब्लैक, अभी डार्क ब्लैक दे रहा हूँ, उसके बाद हम उसको पैडिंग देंगे 60 पिक्सल, डार्क ब्लैक ले लिया हमको जस्ट देखने के लिए, जिन यहाँ से हम इंस्पेक्ट करके उसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से कौन सा कलर है ये कलर पिक कर लेते एक बार, पिक एंड इसका कोड को कॉपी, ठीक है, देन हम यहाँ से जस्ट कोड को जस्ट पेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं, देन रिफ्रेश, तो आ गया मेरा कलर आ गया। तो हम जस्ट क्या करेंगे, जो फुटर के अंदर जो डीप लिए हमने, डीप को लिखेंगे, फुटर के अंदर कौन सा डीप लिया, फुटर टाइटल एंड उसके अंदर H2 एंड डिवाइडर, उसको भी हम लिख लेते हैं H2 एंड देन डिवाइडर को कॉपी कर लेते क्लास का डिवाइडर, ओके, तो ये मेरा हो गया, H2 एंड डिवाइडर हमने ले लिए, तो H2 का जो फॉन्ट है फॉन्ट फैमिली, हम फॉन्ट फैमिली यहां से कॉपी करेंगे, फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लिया, जिन मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, इस यहां पे भी डिवाइडर को भी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, सेव, देन रिफ्रेश, अब देखिए आ गया। देन और एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा व्हाइट है, कलर पूरा व्हाइट है, तो हम कलर देंगे व्हाइट, तो ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, हम जैसे है वैसे कर रहा हूँ, अभी कलर व्हाइट कर दिया, मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा था, तो ठीक है चलिए, अभी फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो गया, H2 दिए, फॉन्ट साइज को छोटा करते हैं, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, ठीक है, इसको कॉपी एंड पेस्ट एंड जस्ट वहाँ फुटर टाइटल पे देंगे टेक्स अलाइन सेंटर, ओके, तो देखिए सेंटर में आ जाएगा, आ गया, तो मेरा पहला आ गया पहला, तो आज इसमें क्या है, इसमें पी टैग है, इस पी टैग को कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पी टैग ले लेंगे, यहाँ पे डिवाइडर के पास पी टैग ले लिया, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ,
देखिए मेरा पी टैग आ गया, लेकिन इसको थोड़ा कलर करेंगे हम। पहले पी टैग को यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइटल के अंदर पी, इसका कलर एक बार चेक कर लेता हूँ, कलर व्हाइट में ही है। हाँ कलर व्हाइट में है, एंड कलर व्हाइट रिफ्रेश। देन इसका फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, हाँ इतना ठीक है। लाइन हाइट 22 पिक्सल, सॉरी आपको रिफ्रेश मार रहा हूँ, क्या हुआ, हैंग कर गया लगता है। ठीक है एक बार हम इंस्पेक्ट, पी पे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, इतना ठीक है। लाइन हाइट 22 पिक्सल, ओके ठीक है। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ग्रीक लिखा है ये बोल्ड में, तो हम जस्ट क्या करेंगे इसको ग्रीक का यहाँ पे ग्रीक इसको जस्ट कट करेंगे, देन यहाँ पे लेंगे स्ट्रॉन्ग टैग उसके अंदर पेस्ट। ठीक है अभी यहाँ पे अगर रिप्रेस देंगे तो आप देख सकते हैं बोल्ड में आ जाएगा। हाँ ये देख सकते हैं आप, ये बोल्ड में आ गया, देख सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा कर लिए इसको, स्क्रीन को देखिए ग्रीक बोल्ड में। ठीक है देन कंट्रोल जीरो से इसका सही वेट पे आ गया। तो ये जस्ट इसको कॉपी करेंगे 4 फुटर टाइटल से लेके यहाँ से कॉपी करेंगे 4 टो 3 टो, देन नीचे में भी सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। तो देखिए मेरा 4 टो 3 टो आ गया हेडिंग। तो हम जस्ट हेडिंग चेंज करेंगे, पहले में है ओपनिंग आवर्स को कॉपी कर लिया, जस्ट चेंज करेंगे ओपनिंग आवर्स चेंज, देन लास्ट में आवर लोकेशन। तो आप देख सकते हैं मेरा हो गया। आप बाकी आप जस्ट कंटेंट यहाँ से लेके कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है हम इतना तक आप कर लीजिएगा, फुटर हो गया मेरा, अभी फुटर में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आज का वीडियो भी बड़ा होने वाला है। आप जस्ट ये चेंज कर लेंगे, हम दिखा दिए बेसिक सा है, जस्ट आप कंटेंट चेंज करेंगे हो जाएगा। ठीक है इतना तो आप कर ही सकते, इतना कुछ सिखाया इतना तो आप कर ही लेंगे। प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मुझसे कमेंट कीजिएगा, हम फिर से करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है तो इतना आप ट्राई कीजिए, आप खुद से कुछ ट्राई कीजिए करने का, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो इतना कर रहा हूँ, अभी क्या करेंगे रिस्पॉन्सिव इशू सॉल्व करेंगे जो बहुत बड़ा इशू है रिस्पॉन्सिव। ये लगभग 80% क्या 70% बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि हम बूस्टअप जो यूज़ किए बूस्टअप फ्रेमवर्क आप जानते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है, तो ये अभी 70% के आसपास रिस्पॉन्सिव है। जस्ट हमको क्या करना है इसको हम और भी एक बार चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे। ठीक है तो रिस्पॉन्सिव इसको फिक्स कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे देन ये वाला आइटम को कॉपी करेंगे प्रेस करेंगे, देन इसको बड़ा करते हैं। अभी जो पहला मेरा रिस्पॉन्सिव इशू लग रहा है मेनू, देखिए जब इसको कॉपी कर रहा हूँ क्लिक कर रहा हूँ ये ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है तो देखिए इतना तक ठीक है। देन इसको कलर करेंगे, जस्ट इसको आइकॉन बैकग्राउंड कलर ऐसा है कलर कलर देखिए देखता हूँ लेते हैं कि नहीं, कलर व्हाइट नहीं लेगा क्योंकि ये एक
एस बी जी लिया हुआ है यहाँ पे, एस बी जी, ठीक है, एच बी जी इमेज है, वो इमेज एक टाइप होता है। तो क्या करेंगे, जस्ट बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसका, इसका बैकग्राउंड बटन बटन है नहीं, यहाँ से कलर लेगा, सॉरी कलर वाइट देख रहा हूँ, कलर और इसका बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर ले लिया, बैकग्राउंड को लेंगे कलर वाइट देंगे बैकग्राउंड, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 0, ठीक है, ये अभी ठीक लग रहा है मुझे। तो इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, देन हम जस्ट ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये रिस्पॉन्सिव कोई मीडिया क्वेरी के अंदर पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जब छोटा होगा वो वहाँ पे ही शो करेगा। तो जस्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, देख सकते हैं आ गया। डोन तो ऐसे में जब आएगा, हाँ ऐसे ये 900 292 में आएगा, हाँ 290 में, तो ये छोटा बड़ा है। तो इसको जस्ट बैकग्राउंड देंगे नैब, नैब आप देख रहे हैं, नैब बन नैब, नैब बन नैब को देंगे बैकग्राउंड वाइट, नहीं बैकग्राउंड ब्लैक देते, बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है। देन इसका ओपेसिटी कमा देंगे, ओपेसिटी आप देख सकते कमा दिया। देन पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, हाँ हम यहाँ पे नहीं देंगे, सॉरी हम, क्योंकि हमको यहाँ पे देंगे तो ये आइकॉन बाहर जा रहा है, तो हम आइकॉन को भी लेना है अंदर, तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, जस्ट ऊपर वाला डिब में देंगे, ऊपर वाला जो डिब है वो वाला डिब में देंगे। ऊपर वाला डिब कौन सा है मेरा देख रहा हूँ, नेबर क्लब्स, जो नेबर क्लब्स है यहाँ पे देंगे, ठीक है, नेबर क्लब्स में दे रहा हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, इसका ओपेसिटी हम कम कर रहे हैं, हाँ ओपेसिटी कम कर दिया। पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग ले लिया 20 पिक्सल, ठीक है 22 पिक्सल, तो ये आ गया। जस्ट इसको हम कॉपी करेंगे एंड 992 में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, एंड बाकी सब रिमूव कर देंगे, ठीक है सेव। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ गया। देन इसको फिक्स करना पड़ेगा अभी, तो ये ए टैग को फॉन्ट पैडिंग जो है दोनों तरफ से, तो हम इसको 0 कर देंगे, साइड में आ जाएगा, एंड ऊपर ऊपर से 10 पिक्सल, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, सॉरी पहले देंगे 10 पिक्सल ऊपर नीचे से, 10 पिक्सल ऊपर नीचे से एंड दोनों तरफ से। मीनाक्षी करें। दो। तो ऊपर नीचे से 10 पिक्सल एंड दोनों तरफ से 0, तो ये साइड में आ गया, देखिए कितना आसान है। ओके देन इसको कॉपी ना, पूरा इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है सेव। आप देख सकते हैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए मेनू कितना मेरा अच्छा आ गया, इसका छोटो इसको छोटा करेंगे फिर भी ये बहुत अच्छा मेनू आ गया मेरा, तो मेनू भी रेस्पॉन्सिव हो गया। तो इतना तक ठीक लग रहा है मुझे, इतना तक ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत जब छोटा कर रहा हूँ ना, ये सेम साइज है, मतलब स्मॉल साइज है, ठीक है स्मॉल साइज में ये दो टो ये आ रहा है, तो हमको क्या करना है, स्मॉल साइज में हम अगर देखिए यार स्मॉल में 5 5 लेके रखें, 5 और 7, इसको जस्ट 2 12 कर देंगे, तो हम स्टील में जाएंगे, इसको 12 कर देंगे, ये वाला इसको 12
12 एंड यहाँ पे भी 12, छोटा साइज में ये ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे आ गया, तो मेरा ये भी काम हो गया, तो ये काम मेरा हो गया, इतना आसान है। देन नेक्स्ट आ रहा ए वाला, ये इसको क्या करेंगे हम, ये जब छोटा होगा, छोटा में स्मॉल साइज देखिए, यहाँ पे भी स्मॉल साइज, ये वाला स्मॉल साइज है, ये स्मॉल साइज में 6 आ रहा है, तो स्मॉल साइज में हम इसको बड़ा कर देंगे। नेक्स्ट वाला भी स्मॉल साइज में ये 12, यहाँ पे भी 12, ठीक है, तो सेव। देन यहाँ पे रिफ्रेश, आप रिफ्रेश कर दिए, देखिए ये छोटा साइज में 12 हो गया। यहाँ पे भी देखिए इसको जस्ट मेनू पे क्या करेंगे हम, स्मॉल साइज पे हम 12 कर सकते हैं, ठीक है, हम स्मॉल साइज में 12 कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मेनू में भी जस्ट यहाँ पे जाएंगे, स्मॉल साइज में 12 एंड यहाँ पे भी मेनू कंटेंट, हाँ यहाँ पे भी 12 एंड और है नहीं है, तो ये दोनों हम 12 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आ गया। तो क्या करना है मुझे, जब ऐसे करेंगे हम थोड़ा फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा है, तो आप देखिएगा, आपको अगर चाहिए तो आप थोड़ा फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं, खुद के हिसाब से छोटा कर लीजिएगा। कितना आसान है, देखिए रिस्पॉन्सिव इशू सॉल्व हो रहा है, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व है, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं। देन इसमें, तो इसमें जस्ट क्या करना है, इसको राइट क्लिक करेंगे, जिन स्मॉल में 7 देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा स्मॉल में 12 कर देंगे, तो यहाँ पे अगर 12 कर दिया तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व है। 12 यहाँ पे भी 12, ओके देन सेव, तो सॉरी देन यहाँ पे रिफ्रेश नहीं आया 12, तो इसको हमको क्या करना है, जस्ट इमेज में जाएंगे, इसको पेयरिंग कम कर देंगे, नहीं हो रहा है, इसका विथ कम करेंगे तो फिर हो जाएगा, सॉरी इसका विथ, इमेज विथ विथ हंड्रेड परसेंट, तो ये देखिए नहीं हो रहा है, तो विथ हम क्या करेंगे 50% देंगे दोटो को पास में लाने के लिए, ठीक है, हम थोड़ा और कमाएंगे, हाँ एंड पैडिंग, थोड़ा पैडिंग को इसको दोनों तरफ से बढ़ा देंगे, ठीक है 10 पिक्सल करके, तो इसको जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे पूरा, एंड ये कौन सा देखिए 560 है, तो हमको 560 जो स्क्रीन है 560 इसकी नहीं, हम 600 है, हम 560 खुद से बना सकते हैं, बना के कस्टम बना के भी दे सकते हैं, और हमें ऐसे 600 में भी उसके आगे 600 में भी दे सकते हैं, ठीक है। देन रिफ्रेश एंड इसका जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, फूड इमेज राइट टेक्स्ट अलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इस पे है, सॉरी इस पे देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड सॉरी इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लगता है, देख रहा हूँ एक बार, विथ 50%, हाँ देखिए विथ 50% देना पड़ेगा, विथ 50% देना पड़ेगा, पैडिंग तो ऐसे ही दिया हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड मार्जिन ऊपर में हम दे देंगे, तो जस्ट इसको कॉपी एंड यहाँ पे फिर से पेस्ट, ठीक है सेव, एंड ऊपर वाला जो हमने किया है राइट इमेज को हम डिस्प्ले उसको हटा देते हैं, मार्जिन बॉटम दे देंगे 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल,
नहीं ले रहा है क्योंकि, सॉरी क्यों नहीं ले रहा है, डिस्प्ले, हाँ इसको भी देना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड इसके आगे जस्ट उसका क्लास लगा देंगे, क्लास यहाँ से इतना तक, उसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, देन सेव, रीलोड। आप देख सकते हैं मेरा ए भी हो गया, देन ये सेक्शन मेरा ए तीन सेक्शन मेरा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, और थोड़ा छोटा करता हूँ, देखता हूँ। हाँ यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है एक बार थोड़ा सा, हाँ यहाँ से भी दिखा रहा है प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है हम जस्ट चेक करते कहाँ से आ रहा, कहाँ से, हाँ ये वाला। तो इसको जस्ट कुछ नहीं करेंगे, कंटेंट टेक्स्ट इसका विद है, विद 100% कर देंगे, विद 100%, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड 600 में ही पेस्ट कर देंगे इसको, एंड बाकी सब डिलीट। ज़्यादा हम ज़्यादा CSS कोड रखेंगे तो CSS फाइल भारी हो जाएगा, तो जितना हो सके हम उसको रिड्यूस करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हो गया मेरा, तो ये भी अभी रिस्पॉन्सिव है, और देखते और छोटा करते हम क्या करेंगे, 600 में भी, 600 में और एक काम करेंगे, जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज बैनर का जो फॉन्ट साइज है, इसको फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे। तो इसको फॉन्ट साइज छोटा करते हैं थोड़ा, इतना ठीक है, लाइन हाइट को भी छोटा करेंगे, ठीक है, लाइन हाइट छोटा कर लिया, मार्जिन बॉटम को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 600 में भी दे देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, देन रिफ्रेश। देखिए मेरा बैनर को हम थोड़ा कर लिया, आप चाहे तो फॉन्ट साइज को भी अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते और थोड़ा छोटा करते हैं इसमें, इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बैनर में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मेनू, मेनू का जो ये है, मेनू को थोड़ा हम छोटा करेंगे, बहुत सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मेनू को छोटा करेंगे, मेनू पे जाया गया, सिंगल मेनू, सिंगल मेनू, मार्जिन जो मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल है, मार्जिन बॉटम को कमाएंगे 80 पिक्सल, ठीक है। इसको कॉपी किया, 600 में ही देंगे इसको, देन बाकी सब हम डिलीट कर देंगे, बाकी डिलीट, देन सेव। फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे, H2 का फॉन्ट साइज देंगे 20 पिक्सल छोटा, 60 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज को दे दिया, इसको कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, ओनली फॉन्ट साइज को रखेंगे और बाकी सब डिलीट कर देंगे, ठीक है, सेव एज। देन आप देख सकते हैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वहाँ पे, रिफ्रेश, देन पी टैग को छोटा करेंगे, पी टैग का फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, 14 पिक्सल, जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, कलर को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा कोड यूज़ नहीं करना, ठीक है। देन मार्जिन जो लिया है, मार्जिन थोड़ा और हम कम कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन थोड़ा और कम कर देंगे, सिंगल सिंगल मेनू, सिंगल मेनू पे मार्जिन 20 पिक्सल कर देते हैं, अभी सही लग रहा है, मार्जिन 20 पिक्सल, देन इसको सेव। अभी देखिए रिफ्रेश, अभी मेनू अच्छा लग रहा है, आप चाहे तो हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, अपना मर्जी आप चेंज करिए, आपको जैसा सही लगे। तो अभी ठीक है, तो और छोटा करते हैं, और छोटा करेंगे तो देख सकते हैं अभी इसमें ये थोड़ा छोटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 400, हम यहाँ पे मेरे पास एक 480 है ना,
तो 480, सॉरी 480 पे ठीक लग रहा है। हाँ 480, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पैडिंग, इसका पैडिंग कम कर देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, देखिए सही लग रहा है। देन इसको कॉपी एंड यहाँ पे 480 पे इसको पेस्ट, जस्ट पैडिंग ही रखेंगे और बाकी सब डिलीट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट एलाइन सेंटर को डिलीट। देन रिफ्रेश, अब देख सकते हैं मेरा ये सही लग रहा है अभी। देन नीचे वाला देख रहा हूँ इसको, इसके सही है, सब सही है। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा करते हैं, देखते हैं। 300 के आसपास मेरा, मेरे पास एक 320 में है, तो हम 340, 360 को देखते हैं, 360 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखते हैं। तो 360 में इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेनू, तो मेनू कहाँ से भंग रहे हैं, 300, 400, 412, 10, 10, 10, 10, हाँ 300, हम 400 पे बना रहे हैं, 400 पे। ठीक है, 300, 480 इसको कॉपी करेंगे। देखिए कास्टम ऐसे बनाते हैं, कॉपी, जस्ट कॉपी करेंगे पेस्ट, यानी इसका इसको 400 कर देंगे। तो हो गया मेरा 400 पे आ गया, हम 400 पे एक बनाएंगे, छोटा और छोटा करेंगे 400। देन इसको क्या करेंगे, पहला तो फॉन्ट साइज को छोटा कर लेंगे, बैनर का, बैनर का फॉन्ट साइज छोटा कर लिया, मार्जिन बॉटम छोटा कर लिया, तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड 400 पे यहाँ पे पेस्ट। मार्जिन बॉटम को छोटा किया, व्हाइट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली को हम रिमूव कर दिए यहाँ से। रिफ्रेश, जो मेनू है, मेनू को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। जो मेनू है देखिए, मेनू कंटेंट ए बुक टेबल पैडिंग, पैडिंग को हम डिस्प्ले जस्ट देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, जस्ट देंगे डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन दोनों तरफ से लिया है। मार्जिन को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं एंड मार्जिन बॉटम देते हैं, जिन बॉटम 10 पिक्सल, देखिए 10 पिक्सल। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, सॉरी पेस्ट कर दिए हमने, कॉपी करना गलत, कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिए। बाकी का कोड हम रिमूव कर देंगे, कलर बॉर्डर सब रिमूव, जस्ट मार्जिन एंड पैडिंग रखेंगे। तो इसको रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं आ गया, कितना आसान है। अब थोड़ा पैडिंग, पैडिंग आप कमा सकते हैं, ये इसको हम थोड़ा हम साइज कम आते हैं, इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, जो इमेज है इस इमेज का विथ हटा कमा रहा है, 40% कर रहे हैं, थोड़ा और कमा देते 20 पिक्सल। ठीक है, 20% कर दिया इसको। अब ऐसे ऐसे स्क्रीन में जाके, मतलब फ़ोन का जो साइज है, ऐसे ऐसे जाके आप कमा सकते खुद से। ठीक है, सेव, रिफ्रेश, देखिए कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जस्ट इसको क्या करेंगे, हमको कंटेनर टेस्टिमोनियल विथ 100% हमने कर दिया, पैडिंग थोड़ा पैडिंग कमा देंगे, नहीं ठीक ही लग रहा है अभी, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए ये हो गया, और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, मेनू मेनू मेरा ठीक है। हाँ 400 में इसको सेव नहीं किया शायद, मार्जिन बॉटम, हाँ इसको रिफ्रेश नहीं आ रहा है, क्योंकि 400, कंटेंट बैनर में ये
पैडिंग तो क्यों नहीं आ रहा है एक बार, सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा इसमें, डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश, अभी ठीक है ठीक है। तो और छोटा कर लेते हैं एक बार, हम ऐसे छोटा करके करके देखेंगे तो देखिए कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे भी छोटा ज़्यादा आपका ये नहीं होता है, स्क्रीन नहीं होता है, तो बहुत आसान है। प्लीज़ देखिए खुद से ट्राई कीजिए, पूरा रिस्पॉन्सिव मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ही हम बनाएंगे, ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे, थोड़ा एनिमेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ तक, प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ खुद से कुछ ट्राई कीजिए, खुद से बनाए, मेरा मैं जो छोटा छोटा चीज़ कंप्लीट नहीं किया हूँ वहाँ पे आप काम कीजिए, उसको थोड़ा आप ट्राई कीजिए कैसे करता है। तो देखिए कितना आसान तरीके से एक PHD को HTML कन्वर्ट कर दिया, उसको रेस्पॉन्सिव भी कर दिया, कितना आसान है। अब भी सीख सकते हैं मेरी तरह, अभी काम कीजिए, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको काम आएगा, आप जस्ट देख लिए और छोड़ दिया उसमें नहीं होगा। आप मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से बनाए, मैं PHD भी दे रहा हूँ, HTML कोड भी दे रहा हूँ। तो आप काम कीजिए, PHD को डाउनलोड कीजिए, खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए, जहाँ पे नहीं होगा तो मेरा कोड देखिए हम कैसे किया, मेरा वीडियो देखिए हम कैसे बोल रहा हूँ वहाँ पे। तो फॉलो कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिए एंड कैसा हुआ, कैसे हम कितना आसान तरीके सीखा है, ये बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन कर देता है, जो बिगिनर्स है वहाँ पे वो कन्फ्यूज में पड़ जाता है क्या करें। तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज में नहीं डाला, हम बहुत आसान तरीके से आपको सिखाए। प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।